मैं निकला गड्डी लेके और रस्ते पे उस सड़क पे एक मोड़ आया। तो ये बस ऊपर वाले का करम है और मेहनत का नतीजा है। मैं निकला गड्डी लेके और रस्ते पे उस सड़क पे एक मोड़ आया। तो आई विल नॉट ब्लेम एनी बडी, बट यस कि हमारी जिम्मेदारी है। तो बस वो सनी पाजी के साथ वो चीज़ें लग गई। सब गलत बोलते हैं, सनी पाजी अच्छा डांस करते हैं। लास्ट टाइम भी जब गदर वन में मैं निकला गड्डी लेके जब इतना सुपर हिट हुआ क्योंकि उन्होंने स्टेज पर डांस किया एंड ही डांस लाइक नेवर बिफोर। वायरल बॉलीवुड के सारे दर्शकों, हेलो मैम शबीना खान, और वायरल बॉलीवुड के सारे दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। कॉन्ग्रेचुलेशन शबीना जी, आज आपका गाना गदर 2 का रिलीज़ हुआ है। कौन सा गाना वो आप ही बताइए, आपकी जनता को। मैं निकला गड्डी लेके और रस्ते पे उस सड़क पे एक मोड़ आया। मैं उत्ते दिल छोड़ आया। तो ये मेरे बचपन का सुपर हिट सॉन्ग आज रिलीज़ हो गया और बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे गदर की जो जो गाने रिलीज़ हो रहे हैं लोगों लोग बहुत सराह रहे हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी के तजुर्बे का, जितने भी मैं 13 साल की उम्र से काम कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी शुरू किया तो बहुत जल्दी सब समझ में आने लगा, बहुत जल्दी सीखने का मौका मिला। तो ये जो फिल्म है गदर, ये मेरी ज़िंदगी की जितना सीखा है उसका निचोड़ है। तो ये मैंने अपने आप को प्रूव किया है कि मुझे कितना आता है काम और कितना नहीं आता है। और खुशी होती है जब ऑडियंस आपके काम को सराहती है, मतलब 50,000, 70,000, 80,000, 1,50,000 कमेंट्स एंड ऑल पॉजिटिव, ये बहुत रेयर होता है। तो ये बस ऊपर वाले का करम है और मेहनत का नतीजा है। अच्छा, ये जो आपने गाना किया गड्डी लेके, उसमें वो क्या बोलते सनी पाजी भी हैं या उनका बेटा जो है तारा जी भी हैं या उनका बेटा साथ में कर रहे हैं? इस गाने में पूरी फैमिली है, तारा सिंह, सकीना, जीते, उनकी जो ताई है, ताई की बहू है, पूरी फैमिली है। तो जितनी भी तारा सिंह की फैमिली थी वो पूरी फैमिली है। और बहुत बड़े स्केल पे किया है इस गाने को। और आइडिया ये था कि एक धमाकेदार डांसिंग सॉन्ग बट फैमिली बॉन्डिंग के साथ। तो फैमिली जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हम सबकी ज़िंदगी का। तो ये फैमिली के खुश खुश एक माहौल चल रहा है, एक चीज़ चल रही है वहाँ पे। बाप ने अपने बेटे को ना चाहते हुए भी उसकी ज़िद पे एक बाइक गिफ्ट कर दी और वो बाइक लेके बेटा खुश हो गया और उसने अपने बाप का ये गाना शुरू किया। वो डांस करता है और उसके बाद कैसे तारा सिंह आते हैं और फिर सबको नचाते हैं और पूरा ख़ानदान डांस करता है और लास्ट में फिनाले में दिखा घी चादर। तो ये उनकी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है फिल्म में। तो आई एम ग्लैड दैट वो हमने बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया। तो या आई एम वेरी हैप्पी विद द ऑडियंस रिएक्शन। आपने सनी जी को इस बार नचाया तो क्या कहना चाहेंगे सनी पाजी को, क्योंकि वो तो धर्म जी और वो ऐसे ऐसे नाचते हैं। सब गलत बोलते हैं, सनी पाजी अच्छा डांस करते हैं। लास्ट टाइम भी जब गदर वन में मैं निकला गड्डी लेके जब इतना सुपर हिट हुआ क्योंकि उन्होंने स्टेज पर डांस किया एंड ही डांस लाइक नेवर बिफोर। वो इतने फ्लॉलेस डांस कर रहे थे गदर वन के इस गाने पे कि जब ये सेकंड आया तो मुझे लगा कि बस वही है, करवाना ही है डांस। वो तो हम कोरियोग्राफर्स पे होता है कि हम एक्टर को उनकी कैपेबिलिटी और उनके कंफर्ट जोन के हिसाब से स्टेप्स दें। कुछ बीच में स्टेप्स गलत दे दी गई तो आई विल नॉट ब्लेम एनी बडी, बट यस कि हमारी ज़िम्मेदारी है। तो बस वो सनी पाजी के साथ वो चीज़ें लग गई। लेकिन मैंने भी सनी जी के साथ एज एन असिस्टेंट काम किया है। जब गणेश आचार्य जी उनके गाने करते थे, मेरा दिल ले गई वही कमो किधर, यू नो, वो कितना ग्रेसफुल नाच किया है। नहीं, ग्रेसफुल तो है लेकिन उनके वो स्टेप्स भी अच्छे लगते हैं। तो आई डोंट थिंक ही डांसर्स लाइक धर्म जी। धर्म जी भी बहुत ग्रेसफुल थे अपने अंदाज में उस ज़माने के हिसाब से, लेकिन सनी जी इज़ अभी मैच्योरिटी के साथ वो और ग्रेसफुल हो गए हैं और बहुत बहुत आसानी से, बहुत प्यार से उन्होंने इसके गाने को किया है। अच्छा, ये अभी अभी मैं राजपाल यादव जी से बात कर रही थी तो वो कह रहे थे अभी इनका समय आया। क्यों कह रहे थे आप इनसे पूछिएगा कि अब ये हैं तो बहुत सालों से, मैं इनको बचपन से जानती हूँ, हाँ, और बहुत बातें की भी मैंने, पर ये बताएंगे अब क्या मतलब था।
वो इसलिए उन्होंने ऐसे कहा राजपाल जी ने कि मेरा वक्त आया, क्योंकि इन्होंने मुझे बड़े होते हुए देखा। जैसे मैंने कहा कि मैं 13-14 साल की उम्र से इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर सबसे छोटी उम्र की लड़की थी। जब मेरा कार्ड बना था तो सब हैरान थे कि इन्हें असिस्टेंट का कार्ड देना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरी कला को देख कर, मेरे डांस परफॉर्मेंस को देख के मुझे कार्ड दिया गया। और गणेश आचार्य जी ने रिकमेंड किया था कि लड़की बहुत अच्छा डांस करती है, बिल्कुल बच्चों जैसा नहीं बड़ों जैसा डांस करती है। और क्योंकि लगन थी बहुत ज़्यादा और फैमिली को लेकर चलना था आगे, तो मैंने बहुत छोटी उम्र में काम शुरू किया, इसलिए शायद मुझे उस ज़माने की भी चीज़ें सीखने मिली और मुझे याद है। और मैं आज के ज़माने में जब पहुंची हूँ तो मेरी उम्र से ज़्यादा मेरा तजुर्बा है, तो इसलिए वो तजुर्बा, जब बचपन से कुछ सीखा ही नहीं मैंने, मेरे पास दोस्त नहीं है, मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, मैं कॉलेज भी जाती थी तो मैं काम करती थी, तो पूरा ध्यान काम में था। तो उन्होंने इसलिए कहा कि उन लोगों ने मुझे सेट्स पे पढ़ाई करते हुए देखा है, उन्होंने मुझे देखा है 9th स्टैंडर्ड में जब पहली पिक्चर की थी, ही वॉज देयर, ही हैज सीन माई जर्नी कि मैं कैसे सेट पे पढ़ाई करती थी और काम करती थी। मैंने ग्रेजुएशन भी काम करते वक्त की, तो मुझे बढ़ते हुए देखा, इसलिए उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, अब ये सही उम्र भी है और सही जगह भी पहुंच गई हो तुम। अच्छा, ये कह रही है दोस्त नहीं है ये, सलमान खान और पूरी फैमिली इनकी बहुत ख़ास दोस्त है, तो थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा सा एलाबोरेट कीजिए। नहीं, मैं दोस्त तो नहीं बोलूँगी, वो मेरे मेंटोर है और मैं उन्हें अपना लकी चार्म मानती हूँ, मेरे मेंटोर रहे हैं वो, उनकी वजह से मेरा नाम भी हुआ है, प्रेम रतन धन पायो उनकी फ़िल्म थी। शायद किसी किसी की तकदीरें जुड़ जाती है, मेरी पहली फिल्म एज एन असिस्टेंट खामोशी थी जब मैं स्कूल में थी, तो सलमान खान थे हीरो, मेरी पहली हिट फिल्म प्रेम रतन धन पायो थी तो सलमान खान है। फिर उन्होंने बहुत काम भी दिया, मेरी कैपेबिलिटी को बहुत सराहा, भरोसा किया मेरे काम पे, बहुत कॉन्फिडेंसली मुझे अच्छे अच्छे काम दिए, बड़े बड़े गाने दिए, जिसकी वजह से बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मुझे बुलाने लगे। तो उन्होंने भरोसा नहीं किया होता तो फिर दूसरे भी नहीं करते भरोसा, तो इसीलिए मैं उनको अपना मेंटोर मानती हूँ। मैं दोस्त नहीं हूँ, मैं छोटी इंसान हूँ बहुत, लेकिन वो मेरे काम को सराहते हैं, इसलिए मैं बहुत मानती हूँ उनको। ये आपकी ह्यूमिलिटी है। चलिए, जहाँ ये फैमिली सॉन्ग्स करते हैं ना, वहाँ ये आइटम सॉन्ग्स भी करती हैं। ये जो फिल्म है नॉनस्टॉप धमाल, इसमें ये किसको आइटम नंबर करा रही हैं? अब इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ करा रही हैं। किसको करा रही हैं? बहुत ही प्यारी सी फिल्म है ये, देखिए आप चेहरे, ये इन सब की मैं फ़ैन रही हूँ, आप सब भी कहीं ना कहीं इनके फ़ैन हो। ये अलग कैरेक्टर है, यू नो इंडस्ट्री में इन्होंने सब ने एक एक नाम लीजिए, राजपाल जी बोलिए या अन्नू जी बोलिए, इन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। असरानी जी वो तो इतने मतलब पुराने, कब से इन्होंने काम किया है, हमने बचपन हमारे हम भी पैदा नहीं हुए तब से, तो ये लोगों ने अपनी जगह बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, तो ये तो हमारा आदर्श बन के रहे हमेशा। जब मुझे इरशाद भाई का कॉल आया तो मैं फ़ौरन राज़ी हो गई, सर यू नो आए एक गाना है जो मैं बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ, और जो इनकी गाने की जो क्या नाम है इनका, सॉरी जूलिया, क्या यूलिया नहीं, जॉर्जिया, हाँ, तो देन उन्होंने बताया कि मैं जॉर्जिया को लेना चाहता हूँ, तो मैं खुश हो गई, क्योंकि इसके पहले मैंने जॉर्जिया के जितने भी गाने देखे हैं, मैंने देखा है कि लोगों ने उनको डॉल बना के खड़ा कर दिया, कैमरा घूम गया, उनकी खूबसूरती को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। एक तरीका होता है लड़की को पिक्चराइज करने का कि आप उसको सेक्सी भी बनाओ, सेक्सी भी दिखाओ, और आप उसको मॉडर्स भी दिखाओ, आप उसको ग्रेसफुल भी दिखाओ। तो मैंने हमेशा इनके जो गाने रिलीज़ हुए, मैंने देखा कि वो सिर्फ चल रही है, फिर रही है और सेक्सी लग रही है और सेम तरह के कॉस्ट्यूम पहन रही है। मैं जब उनसे मिली, मुझे लगा एक्सप्रेशन का बहुत स्कोप है, तो इस गाने को जब ऑडियंस देखेंगी तो ये सिर्फ एक आइटम नंबर नहीं, ऐसा लगेगा कोई बड़ी फिल्म की बड़ी हीरोइन ने इस गाने को किया है, पूरे एक्सप्रेशन अदाओं के साथ, पूरे ग्रेस के साथ। तो वो मैंने ग्रेस अदाएँ वो सारा निकाल कर लेकर आए इस गाने में, और बहुत खूबसूरत गाना शूट हुआ है, ऑडियंस बहुत खुश होंगी कि क्योंकि एक लड़की जब एक लड़की को शूट करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ऐसे एंगल ना बनाऊं जहां पे लड़की के सिर्फ बॉडी को यूज़ किया जाए, बल्कि उसी चीज़ों को इज्जत के साथ यू नो बहुत तरीके के साथ शूट किया जाए, तो वो एक लड़की दीवा लगती है। तो मैंने जॉर्जिया इज़ लुकिंग लाइक अ बिग डीवा इन दिस सॉन्ग एंड ऑडियंस विल लव दिस। बहुत प्यारा गाना है, बहुत चुलबुले एक्सप्रेशंस हैं और बहुत अदाएँ हैं, जैसे ठहरे रही हो यू नो वो जो ठहराव के साथ देखना, या उमराव जान में जो एक्सप्रेशन थे, या माधुरी दीक्षित के जो एक्सप्रेशन होते थे, मैंने वो सारे यू नो जॉर्जिया पे ट्राई किया एंड शी डिड इट सो वेल।
मतलब एक दिन की रिहर्सल, शी वॉज जस्ट सो स्केर्ड कि मैं चार दिन रिहर्सल करूँगी मुझे नहीं होगा, बट शी स्टार्टेड रिहर्सिंग विथ मी। एक दिन का रिहर्सल किया हमने और फिर गाना शूट किया, एंड शी डिड फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू द सॉन्ग। वेदर इट्स बिग फिल्म और स्मॉल फिल्म और एनी काइंड ऑफ फिल्म, व्हेन आई डू द सॉन्ग मेरे लिए फोकस सिर्फ वो गाना होता है। वो किसी भी फिल्म का गाना हो, उतनी ही जान लगाना है, उतनी ही पावर के साथ उसको करना है। और इरशाद भाई जो डायरेक्टर है, उनका जो भरोसा था मेरे ऊपर कि आँख बंद करके आप करिए, मुझे भरोसा है, वो चीज़ भी आपको एज ए टेक्नीशियन दो कदम आगे ले जाती है कि एक डायरेक्टर आप पे इतना भरोसा कर रहा है। एंड ही इज़ अ वेरी सेंसिबल डायरेक्टर एंड ही हैज़ प्रोड्यूस सम फिल्म्स एंड देन ही गॉट इन टू डायरेक्शन। तो मुझे उम्मीद है ये गाना, ये फिल्म भी बहुत प्यारी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, ये फिल्म अपनी एक ऑडियंस लेके चलेगी। तो मैं रिकमेंड करूँगी अपनी ऑडियंस से सबसे कि ज़रूर देखिए इस फिल्म को, मिस मत करिएगा। बहुत सेंसिबल डायरेक्टर ने बनाई है और इसके गाने भी बहुत अच्छे हैं, और जो गाना मैंने किया है वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बोल क्या बोले इसके शर्ज शायद अपने अपने गाने के मुझे बोल बताइए आप क्या है। दिलकश दिलकश मंजर मेरे अंदर, कहते हैं लोग मुझे तीखा खाने। और अपना टाइटल इसकी क्या मंजर, हुक हुक मोमेंट की बात कर, हुक कहते हैं लोग मुझे तीखा, हमको भी बसा ले तेरे दिल के अंदर, तेरे दिल के। सो इसका जो हुक, हाँ तो इसका हुक एक्चुअली ये थोड़ा डिफरेंट है हुक स्टेप। हमेशा होता है कि लड़की गाती है फिर दूसरे गाते हैं, हमारे यहाँ पे हमारे कैरेक्टर बोलते हैं हमको भी बसा लेना तेरे दिल के अंदर तेरे दिल, फिर लड़की बोलती किस किस को बसाऊँगी मैं अपने दिल के अंदर, अपने दिल के अंदर। और वैसा इस तरह पूछने को तो बहुत लंबा चौड़ा इनसे हम बात करना चाहेंगे, लेकिन वक्त की कमी और अभी स्टार्ट होने वाले हैं प्रेस मीट, सो चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे और फ्यूचर फिल्म के बारे में बता दीजिए। मैं ये बताऊंगी कि बहुत सारी अच्छी फिल्में लाइनअप पे है, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ बड़ी फिल्में कर रही हूँ, मैं वो फिल्में कर रही हूँ जो गाने स्टोरी को आगे ले जाते हैं, जिसमें कोरियोग्राफर को अपनी ज़रूरत महसूस होती है, मैं वैसी फिल्में कर रही हूँ। और ऑडियंस को आगे चल के गदर के बाद बहुत अच्छे अच्छे और गाने देखने को मिलेंगे, और गदर को प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया, और वही प्यार मैं चाहती हूँ नॉन स्टॉप धमाल की फिल्म को आप लोग दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे बॉलीवुड दर्शकों के लिए भी कुछ कह दीजिए। सो वायरल बॉलीवुड के सारे दर्शकों, हेलो, मैं शबीना खान, और वायरल बॉलीवुड के सारे दर्शकों को मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल, और अच्छी अच्छी गॉसिप के साथ अच्छी अच्छी बातें भी देखिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।